हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने नाइन्थ की वर्कशीट नंबर 29 लेकर आई हूँ, क्लास नाइन्थ की। ठीक है बच्चों, ये हमने सब कुछ पहली वर्कशीट में किया हुआ है। पहले हमें कोई भी चीज़ सर्वांगसम बताई थी, उसके चार उदाहरण देने थे पहली वर्कशीट में। अब हम इसको पहली कसौटी के अनुसार और पहले मैं बताऊँगी पहले बॉक्स में क्या दिया है। इसमें क्या होता है, भुजा से भुजा बराबर करनी होती है, जिसे कहते हैं SSS, यानी कि साइड। ठीक है, ये इस तरह से हम सर्वांगसम दिखाते हैं कि एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर है, दूसरी भुजा इस दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर है और तीसरी भुजा के बराबर है दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, तो ये कौन सा नियम होता है, भुजा यानी कि SSS। दूसरा इसमें नियम है, दूसरी इसकी कसौटी है कि भुजा कोण भुजा। ठीक है, दूसरी कसौटी में होता है भुजा कोण भुजा। इसमें हमारे को दिखाया जाता है कि दो तो भुजा हमारी बराबर है, ठीक है, और एक कोण बराबर है, तो उसका क्या होता है, एक जो है वो भुजा बराबर है, फिर एक कोण बराबर कर देते हैं और फिर एक भुजा, इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं SAS, सर्वांगसमता नियम। ठीक है, दूसरे में ही आता है। तीसरे में क्या आता है, तीसरी कसौटी क्या है हमारी, तीसरी कसौटी में आता है कोण भुजा कोण, यानी कि दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है। इस तरह से त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। ये तीनों कसौटियाँ इसमें लागू होती हैं। ठीक है, चौथी कसौटी होती है समकोण कर्ण भुजा, यानी कि एक समकोण होता है और बाकी दोनों भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं जब उसकी एक कर्ण, दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, यानी कि एक तो कोण 90 अंश का होना चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कसौटी होती है समकोण कर्ण भुजा। समकोण से होता है राइट एंगल, कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस, और भुजा मतलब साइड होता है RHS। ठीक है बच्चों, ये हो गई इसकी चारों कसौटियाँ। अब आगे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर ये वन में दिए हुए हैं, कितने सारे त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें देखो आपको सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। नीचे मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ, ये लिखा है नीचे दिए गए त्रिभुजों में से सर्वांगसम त्रिभुज के जोड़े को पहचान कर लिखें, ये भी बताएं कि आपने सर्वांगसम की किस कसौटी का उपयोग किया है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है बच्चों, दोनों त्रिभुज देखो, इसमें एक कोण 90 अंश का दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिखूँगी कोण ABC, त्रिभुज ABC, और कैसे लिखूँगी इसको, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ONM में AC बराबर है OM 8 सेंटीमीटर, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोण B बराबर है कोण OK 90 डिग्री का है, और कोण और एक BC भुजा है, BC बराबर है MN के 5 सेंटीमीटर भुजा दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब है तो त्रिभुज ABC बराबर है और सर्वांगसम है त्रिभुज ONM के, क्योंकि RHS कसौटी इसमें लगी है। ठीक है बच्चों, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है उसमें RHS कसौटी लगती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में मैंने दो ये लंबे लंबे खींचे हुए ऐसे त्रिभुज बने हुए हैं ना, जिन पे दो राइट टिक के निशान लगा दिए मैंने अगले वाले, तो उसका कर रही हूँ मैं। इसमें है त्रिभुज VWZ और त्रिभुज PQR, तो इसमें क्या होगा बच्चों, कोण V बराबर है कोण P क्योंकि 30 डिग्री का है। ठीक है, और VW बराबर है PQ 2 सेंटीमीटर भुजा दी हुई है, देख सकते हो आप, और W बराबर है कोण Q, ये 135 डिग्री का है, यानी कि दो कोण दिए हैं इसमें। ठीक है, तो त्रिभुज VWZ बराबर है और सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ये कौन सी कसौटी लगी है इसमें, ASA यानी कि दो कोण और एक भुजा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। अगले हम दो फिगर ले रहे हैं, और हाँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर वाला कोण है, एक कोण सबसे ऊपर वाला है, वो किसी से मैच नहीं करता, किसी के साथ इसका जोड़ा नहीं बनता, इसलिए उसको, वो तो इस लिस्ट में है ही नहीं, उसको मैंने क्रॉस लगा दिया। अब आगे देखो, जो ये त्रिभुज दे रखे हैं दो, एक सबसे पहले इधर नीचे बना हुआ है और एक बीच में उधर बना हुआ है लेटे हुए त्रिभुज के साथ, जिस पे मैंने ऊपर क्रॉस का निशान बनाया है, तो इसको मैं कर रही हूँ दोनों को, तो इसको कैसे करेंगे, त्रिभुज IGH और त्रिभुज EDF, वो आई है,
आई जी बराबर है ई डी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जी एच बराबर है डी एफ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और आई एच बराबर है ई एफ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज आई जी एच बराबर है और सर्वांगसम है त्रिभुज ई डी एफ के। अब बच्चों इसमें मैंने क्या देखो, तीनों भुजाएं बराबर कर दिया, तो कौन सा नियम लगेगा इसमें, कौन सी कसौटी लगेगी, एस एस एस, ठीक है, एस 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 की कसौटी इसमें लगेगी। अब देखो ये जो त्रिभुज है ये इस लास्ट वाले त्रिभुज से भी मिल रहा है, देखो आप मिला के देखोगे तो बिल्कुल सेम है। इसमें किस तरह से दिया हुआ है, अब इसको भी करके देख लेते हैं, जो जिसमें एक डॉट लगाई है मैंने, लास्ट वाला त्रिभुज जो है इसको मैं आपको करके बता देती हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, अब मैं दो त्रिभुज ले रही हूँ फिर से, ये आगे बना हुआ है वो और लास्ट वाला जो है वो, तो लिखा है त्रिभुज ई डी एफ और त्रिभुज यू एस टी। पहले मैंने साइड बराबर करी है, ई डी बराबर है यू एस के 5 सेंटीमीटर, फिर से मैंने साइड बराबर करी डी एफ, वो ऊपर सर्कल में साइड एंगल लिखती हूँ मैं, ठीक है, बराबर है डी एफ बराबर है एस टी 6 सेंटीमीटर, फिर एक एंगल बराबर है कोण डी बराबर है कोण एस के, कौन सा एंगल है 65 का, ठीक है। तो इस तरह से त्रिभुज सर्वांगसम कैसे हुआ, त्रिभुज ई डी एफ बराबर है और सर्वांगसम है त्रिभुज यू एस टी। और कौन सा नियम लगेगा बच्चों, इसमें कौन सी कसौटी लगी है, एस ए एस, यानी कि दो भुजाएं और एक कोण, ठीक है। तो इसमें ये मैंने एक बचा हुआ जो त्रिभुज था उसको भी जो मिल रहा है त्रिभुज उसके बराबर कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, इसमें इतने ही क्वेश्चन था कि फिगर को ही आपको सर्वांगसम करके बताना था, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।